मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आम की खट्टी मिट्टी और बहुत ही टेस्टी चटनी बनाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं आम की खट्टी मिट्टी चटनी कैसे बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं आम की खट्टी मिट्टी चटनी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये मैंने 3 आम ले लिए हैं, पुदीना लिया हुआ है और ये हरा धनिया लिया है। एक मैंने छोटी सी प्याज काट ली, एक टुकड़ा मैंने अदरक लिया है, 7-8 फलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं, ये मैंने 7-8 हरी मिर्च ली है। मैं इसको बड़ी स्पाइसी बनाऊंगी और स्पाइसी अगर ज़्यादा रहा तो 2 चम्मच मैंने चीनी ली है जो इसको बैलेंस कर देंगी, और 1/2 चम्मच मैंने काला नमक लिया है और इसी में 1/2 चम्मच मैंने सफ़ेद नमक मिक्स कर लिया है, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। और सबसे पहले मैं आम को छील लूँगी। ये आम छिलके मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, आप इसके कैसे भी पीसेज बना सकते हैं क्योंकि ये मिक्सी में ग्राइंडर होंगे। ये देखिए मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। अब सबसे पहले मैं इसको मिक्सी के जार में डालूंगी। ये आम डालिए और ये लहसुन अदरक और प्याज, ये मैंने हरी मिर्च साथ में डाल दी, ये जीरा डाल दिया। पहले ये सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे, उसके बाद पुदीना और हरा धनिया डालेंगे। सारी चीज़ें मैंने जार में डाल दी हैं, अब थोड़ी सी पानी की सहायता से इसको मैं अच्छी तरह पीस लूँगी। ये आम मैंने पीस लिया है, अब इसमें ऊपर से मैं धनिया और पुदीना डाल के पीस लूँगी। इसी के साथ हम चीनी और नमक भी डाल देंगे। ये नमक डाल दिया और ये चीनी। ये चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है, अब इसको हम सर्विंग बाउल में खाली कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनी हुई है। ये पुदीने और आम की खट्टी मिट्टी चटनी बनके तैयार हो गई है, ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये आम का सीज़न है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिए।